नमस्कार। इस वीडियो से मैं एक नई सीरीज को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं बुक्स का रिव्यू और एनालिसिस करूंगा, समरी और उनके बारे में रिकमेंडेशन भी दूंगा। ये बुक्स जो हैं वो साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के एरिया से होंगी, जो थेरेपी के स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स या पेशेंट्स के लिए लिखी गई हों। ये ऐसी किताबें होंगी जिसमें मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, या कोई थेरेपिस्ट के अपने एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड हो सकती हैं, या कोई केसेस पर इसमें चर्चा की गई होगी। मेनली ये मेंटल हेल्थ के बारे में नॉलेज और पर्सपेक्टिव देंगी। ये सभी बुक्स इंग्लिश में होंगी। ये किताबें ये बुक्स मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये बहुत से पहलू समझने में मददगार साबित होंगी जो मेंटल हेल्थ के बारे में आपके पर्सपेक्टिव को बदलेंगी और कुछ बदलाव करने को प्रेरित करेंगी। सो उम्मीद है आपको ये सब वीडियोज जो है पसंद आएंगी। इसके अंदर मेरे रिव्यूज या मेरे एनालिसिस आपको ठीक लगेंगे और आप उन बुक्स को पढ़ना चाहेंगे और पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे और जो भी उसमें जो रिलेवेंट नॉलेज है इन्फॉर्मेशन है वो आप भी गेन करना चाहेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो पहली बुक है जिससे मैं शुरू करने जा रहा हूँ अपना रिव्यू, जो पहली बुक होगी वो होगी लेटर्स टू अ यंग थेरेपिस्ट, मैरी एलिजाबेथ पाइपर या मैरी पाइपर जिस नाम से उनको ज़्यादा जाना जाता है, उन्होंने ये बुक लिखी है। मैरी पाइपर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है अमेरिका में, नेब्रास्का में, लिंकन वहाँ पे जगह है, नेब्रास्का एक स्टेट है यूएस का, वहाँ पे वो रहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ प्रैक्टिस करती हैं, उनके हस्बैंड भी थेरेपिस्ट हैं। मैरी पाइपर ने कई सारी बुक्स लिखी हैं। पहले मैं मैरी पाइपर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैरी पाइपर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से 1969 में कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ग्रेजुएशन की थी और उनको पीएचडी जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से क्लिनिकल साइकोलॉजी में 1977 में मिली थी। 1972 में, जैसा कि वो किताब में बताती हैं, उन्होंने अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी, पेशेंट्स देखने शुरू किए थे और 1979 में उन्होंने अपना पहला क्लिनिक खोला था जो उन्होंने अपने घर से शुरू किया था। मैरी पाइपर ने ये किताब 2001 में लिखनी शुरू की थी और 2002 में इसको ख़त्म किया था। 2003 में ये बुक पब्लिश है और इसका एक रिवाइज एडिशन 2016 में पब्लिश हुआ है। मैरी पाइपर की कुछ दूसरी जो लिखी बुक्स हैं उनमें लेटर्स टू अ यंग थेरेपिस्ट के अलावा रिवाइविंग ऑफेलिया जो इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है, दूसरी कुछ बुक्स हैं जिनमें इनकी रिसेंट बुक है वुमेन रोइंग नॉर्थ 2019 में पब्लिश हुई थी, द ग्रीन बोट रिवाइविंग आवरसेल्स इन आवर कैप्साइज्ड कल्चर 2013 में पब्लिश हुई थी, सीकिंग पीस क्रॉनिकल्स ऑफ द वर्स्ट बुद्धिस्ट इन द वर्ल्ड 2009 में पब्लिश हुई थी, राइटिंग टू चेंज द वर्ल्ड 2006 में पब्लिश है, द शेल्टर ऑफ ईच अदर रीबिल्डिंग आवर फैमिलीज टू एनरिच आवर लाइव्स, द मिडल ऑफ एवरीवेयर द वर्ल्ड रिफ्यूजीज कम टू आवर टाउन और अनदर कंट्री नेविगेटिंग द इमोशनल टेरेन ऑफ आवर एल्डर्स। इस तरह की इन्होंने बुक्स लिखी हैं जिसमें बेसिकली इन्होंने जो ज़्यादातर जो काम है वो फीमेल साइकोलॉजी में ज़्यादा किया है, फेमिनिज्म में, और रिफ्यूजीज के साथ इन्होंने वर्क किया है और इसके अलावा इनका फैमिली थेरेपी में जो है वो बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है। मेनली ये फैमिली थेरेपी ओरिएंटेशन को बिलोंग करती हैं जिसमें इन्होंने इनकी जो ट्रेनिंग भी हुई थी वो फैमिली थेरेपी में हुई थी। फैमिली थेरेपिस्ट जो थे बहुत पायनियर्स जो थे इस फील्ड के, उनके बीच इन्होंने अपनी एजुकेशन ली थी, तो इन्होंने काफ़ी इस तरह के आइडियाज़ के बारे में बहुत जाना और बहुत ही इसके बारे में वर्क किया। फैमिलीज के साथ इनका बहुत ही एक ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन रहा है जो कि साइको एनालिटिकल कल्चर में जो कि नॉर्मली बहुत पॉपुलर था 1960s-70s में भी, जिसमें फैमिलीज को बहुत ही कल्प्रेट और कॉज माना जाता था मेंटल इलनेसेस के लिए, उसके उल्टा जाके जो फैमिली थेरेपी है वो सिस्टम्स अप्रोच पर काम करती है जिसके अंदर जो हीलिंग है वो पूरी फैमिली की जाती है। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑथर के बारे में, मैरी एलिजाबेथ पाइपर के बारे में। अब मैं आगे आपको बुक के बारे में थोड़ा सा समरी देता हूँ, बुक के बारे में थोड़ी सी बात करता हूँ कि बुक किस बारे में है और बुक में किस तरह से इन्होंने लिखा है। लेटर्स टू अ यंग थेरेपिस्ट, बुक के बारे में बात करने से पहले इसके थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। बेसिक बुक्स जो कि पब्लिशर्स हैं उन्होंने एक सीरीज निकाली थी आर्ट ऑफ मेंटरिंग 2001 से 2008 के बीच। आर्ट ऑफ मेंटरिंग में इन्होंने इस तरह की बहुत सारी बुक्स पब्लिश की जिसमें लेटर्स टू अ यंग डैश प्रोफेशनल्स के नाम थे उसमें, इस तरीके से बहुत सारी सीरीज थी। तो कई सारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं किसी भी एरिया में जो अपना करियर शुरू करने वाले हैं उनको एड्रेस करते हुए ये बुक्स लिखी गई थी, जिसमें एक ही टाइप का स्टाइल था, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं या सजेशंस दी हैं, एडवाइस दी हुई है किसी एक बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन ने, जो एक प्रोफेशनल ने जिसने उस फील्ड के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया हुआ है और बहुत अच्छा एक टीचर है या एजुकेटर है या अपने पॉपुलर है या अच्छा काम करता है, बहुत रिनाउंड है, जिसका बहुत नाम है, उसने आगे आने वाली जनरेशन के जो नई जनरेशन के जो प्रोफेशनल्स हैं उनको सजेशंस दिए हुए हैं, उनको बताया हुआ है अपनी फील्ड के बारे में कैसे काम करना है, किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे, किस टाइप से काम करा जाना चाहिए, अलग अलग टाइप के
इश्यूज को कैसे डील किया जाए, उनको समझा कैसे जाए, जो भी एक पॉसिबल हो सकते हैं, जो एक छोटी सी 200-250 पेज की किताब में जितना भी टॉपिक्स आ सकता है उसके हिसाब से उन्होंने ये बुक्स लिखी थी। इस बुक सीरीज में करीब 15 किताबें हैं, जिसमें शुरुआत हुई थी एलन डर्शोविट्स की किताब थी लेटर्स टू अ यंग लॉयर और क्रिस्टोफर हिचिन्स की लेटर्स टू अ यंग कॉन्ट्रेरियन। जो इसके पब्लिशर रहे थे बेसिक बुक्स के जॉन डोनाटिच, उन्होंने इसके बारे में जो था कंसेप्चुलाइज किया था कि ऐसी कुछ बुक्स होनी चाहिए जो प्रोफेशनल्स हैं, नए फ्रेशर्स हैं, उनके लिए जो कुछ रिकमेंडेशंस दिया जाए, उनको कुछ एक्सपर्ट्स एडवाइस दिया जाए, इस तरह से कुछ किताबें लिखी जाए। और ये जो सीरीज थी आर्ट ऑफ मेंटरिंग, इसके पीछे जो और जो बेसिक एक आइडिया था वो रेनर मारिया रिल्के, जो कि एक जर्मन पोएट रहे थे, उनकी एक किताब थी लेटर्स टू अ यंग पोएट, जो उन्होंने किसी एक स्टूडेंट के साथ अपनी कम्युनिकेशन किया था, लेटर्स लिखे थे दोनों ने एक दूसरे को, और उसमें उन्होंने उसको पोएट को, जो एक नया कोई एक पोएट था जो पोएट्री में अपना करियर शुरू करने जा रहा था, उसको उन्होंने लेटर्स लिखे थे। उस टाइटल के बेसिस पर इन्होंने ये पूरी सीरीज की जो है किताबें इसका नाम दिया है। तो इसके अंदर जो है कुछ ये ऐसी किताबें हैं जैसे लेटर्स टू अ यंग कॉन्ट्रेरियन, लेटर्स टू अ यंग लॉयर, लेटर्स टू अ यंग गोल्फर, यंग कंजर्वेटिव, यंग एक्टिविस्ट, यंग शेफ, यंग जिमनास्ट, यंग कैथोलिक, यंग एक्टर, यंग मैथमेटिशियन, यंग जर्नलिस्ट, यंग ज्यू, यंग डॉक्टर, यंग इवेंगेलिकल, इस तरह की किताबें हैं। और इन्हीं में से 2003 में पब्लिश हुई थी लेटर्स टू अ यंग थेरेपिस्ट। तो ये इसका बेसिकली बैकग्राउंड है इस किताब का, और इसी सीरीज की इस किताब के ऊपर जो कि थेरेपी के बारे में है, एक थेरेपिस्ट जो है मैरी पाइफर, इन्होंने लिखी है, और जो जितने भी नए थेरेपिस्ट हैं उनको ही एड्रेस किया गया है। सो इस पर हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए इस किताब को अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये जो किताब जो है ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जो सीजन्स के हिसाब से बेसिकली इसको डिवाइड किया गया, क्योंकि ऑथर ने ये अलग अलग सीजन्स में जो जो लिखा उसके हिसाब से इन्होंने उसको क्लासीफाई कर दिया। तो पहला क्या है, विंटर सीजन में जिन्होंने दिसंबर से लिखना शुरू किया, तो विंटर सीजन में इन्होंने जो चैप्टर्स डाले हैं इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हैं, उनके मैं नाम बता देता हूँ। ब्रेड क्रम्स, वर्चूज, मदर नेचर डिलीवर्स, फैमिली बैशिंग, डीपनिंग थेरेपी, कनेक्टिंग द डॉट्स। इसमें इन्होंने बेसिकली अपना ओरिएंटेशन ज़्यादा बताया है, फैमिली को इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाए थेरेपी में इस बारे में बताया है, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में रिफ्लेक्ट किया है, वर्चूज आइडियल्स क्यों ज़रूरी हैं एक थेरेपिस्ट के लिए उस पर डिस्कस किया है, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, क्यों उनको ऑथर को खुद पसंद था नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना या वो करती रही हैं हमेशा, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया है। थेरेपी को कैसे और बेटर तरीके से किया जाए, कैसे क्लाइंट्स को समझा जाए, कैसे उनकी लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस को कनेक्ट किया जाए, कैसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्लाइंट्स को अपनी प्रॉब्लम्स पर सोचने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए, ये सब इसमें इन्होंने बताया है। तो एक उन्होंने अपना ओरिएंटेशन बता दिया, दूसरा इन्होंने थेरेपी को ओवरऑल कैसे लेना है, क्लाइंट्स को ओवरऑल कैसे अप्रोच करना है, इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा बताया है। तो विंटर वाला जो कंटेंट है पार्ट वन जो है 6 के 6 चैप्टर्स जो हैं, वैसे आप देखेंगे सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं, अलग अलग तरीके से डील कर रहे हैं इश्यूज़ को, बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा एक थीम उनके अंदर थोड़ा देख सकते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। मुझे इस पूरे पार्ट के अंदर जो फैमिली बैशिंग वाला जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत हाईली रिकमेंडेड है, मैं क्लाइंट्स के लिए और थेरेपिस्ट के लिए बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ ये चैप्टर, फैमिली बैशिंग। सेकेंड पार्ट में जो चैप्टर्स हैं स्प्रिंग वाले सेक्शन में वो है पेन, हैप्पीनेस, मेटाफर, एंड्योरेंस, सेल्फ केयर, मेडिकेशन और डेटिंग। अब आप मान लो थेरेपी दे रहे हो और आप धीरे धीरे एक थेरेपिस्ट बन गए हो, तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करोगे। पहले तो था क्लाइंट के प्रति ओरिएंटेशन कैसा रखना है, कैसे उसको समझने की तरफ बढ़ना है, यहाँ पर थोड़े और इश्यूज आ जाते हैं। जैसे पेन वाले चैप्टर में इन्होंने बोला है कि इमोशनल पेन को अपने अंदर रखने से कैसे वो बढ़ जाता है, हैप्पीनेस के बारे में बात की है कि हैप्पीनेस जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलती है, कुछ अचीव करने की बजाय अचीवमेंट का जो प्रोसेस है, जो किसी गोल को अचीव करने का जो पूरा प्रोसेस है वहाँ से ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड्योरेंस और मेटाफर्स पे फोकस किया इन्होंने। एंड्योरेंस है कि एक थेरेपिस्ट को किस तरह से अपने को इस पूरे प्रोफेशन में स्ट्रेसेस होते हुए भी अपने को कैसे टिकाए रखना है। मेटाफर वाले चैप्टर में इन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे थेरेपिस्ट को अपने लिए मेटाफर्स रखना बहुत ज़रूरी है। मेटाफर्स पे बात करें, हमारी भाषा जो है वो मेटाफर्स से मिलकर बनी है, तो मेटाफर्स बहुत यूजफुल हो सकते हैं। एंड्योरेंस में इन्होंने स्ट्रेस और लोगों की जो कंडीशंस हैं, डिसेबिलिटीज हैं, उनके लाइफ की जो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें से कुछ को तो कभी सॉल्व ही नहीं किया जा सकता, उसके प्रति क्या नज़रिया रखा जाए, कैसे मोटिवेट किया जाए।
सेल्फ केयर में अपना केयर करना, अपनी हॉबीज को परस्यू करना थेरेपिस्ट के लिए क्यों जरूरी है, उस पर बात की है। मेडिकेशन, यहाँ इन्होंने पर्सपेक्टिव पे बात की है कि साइकोसोशल को ज्यादा जोर दिया जाए। मेडिकेशन दिलवा सकते हो कुछ कंडीशंस में जरूरी है, वहां तो डेफिनेटली रिकमेंड करो, बट जहां नहीं देना है या क्लाइंट नहीं लेना चाहता है वहां उसके साथ पहले साइकोसोशल वर्क करो। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ स्ट्रेसेस, चैलेंजेस, इमोशंस, एग्जॉशन, खुद का नेग्लेक्ट होना या पेशेंट्स के साथ किस तरीके का जो उनकी जो सफरिंग है उसको कैसे समझना है, इस पर ज्यादा बात की हुई है इस वाले सीजन में या इस वाले पार्ट में। थर्ड पार्ट में इन्होंने रिलेशनशिप्स पर फोकस किया है। जैसे इसके जो चैप्टर्स हैं वो ये हैं, मैरिज, हेल्पिंग ऑफेलियाज फैमिली, इंटेंशनैलिटी, इमोशनल वेदर, स्विमिंग, डेंजर, थेरेपी एंड राइटिंग। मैरिज वाले में इन्होंने मैरिज के बारे में बात की है कि उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि मैरिज को किस तरह से समझा जाए, कि कैसे धीरे धीरे मैरिज ग्रो करती है, एकदम जल्दी जल्दी मैरिज के डिसीजंस ना लिए जाएं, टूटी हुई मैरिजेस को कैसे जोड़ना है, इस पर इन्होंने बात की है। ऑफेलियाज फैमिली, ऑफेलिया बेसिकली इनकी किताब है रिवाइविंग ऑफेलिया, उसके कैरेक्टर पे बेस्ड है टाइटल, बात उसमें इस पर कुछ नहीं की है, बस इसके अंदर इस पर इन्होंने बात की हुई है कि कैसे फैमिली के अंदर डिसफंक्शन ना देखा जाए और पूरे फैमिली एनवायरनमेंट को जो है, उनके जो अलग अलग जो लोग हैं, उनके जो स्ट्रगल्स हैं, प्रेशर्स हैं, उनको डिस्कस किया जाए, उनको डील किया जाए और बहुत एम्पैथेटिकली कैसे हम डील कर सकते हैं, इस पर इन्होंने जोर दिया है। स्विमिंग ये करती हैं, स्विमिंग पर इन्होंने जोर दिया है कि क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हैं स्विमिंग के लिए, क्योंकि उसको बहुत नेचुरल मानती हैं, उनको लगता है शायद हम पूरी बॉडी जैसे हमारी वाटर से बनी है, तो स्विमिंग जितना अच्छा रिलैक्स कर सकती है मसाज की तरह, मेडिटेशन की तरह, उतना कुछ और नहीं कर सकती है, तो उस पर इन्होंने जोर दिया है। इमोशनल वेदर में इन्होंने दो तरीके के लोगों को कंपेयर किया है, बेसिकली अगर कहा जाए तो दो अलग अलग तरीके के टेम्परामेंट्स को डिस्कस किया है, जो कि अगर पर्सनैलिटी थ्योरी की भाषा में देखा जाए तो हम न्यूरोटिसिज्म हाई और लो वाले जो दो टाइप के लोग होते हैं उनको डिस्क्राइब किया इसमें इन्होंने। राइटिंग, क्योंकि इनको राइटिंग बहुत पसंद है, करती हैं, इन्होंने किताबें लिखी हैं, तो इन्होंने कहा कि राइटिंग मेरे को बहुत जरूरी लगता है और राइटिंग को थेरेपी से उन्होंने रिलेट किया है कि थेरेपिस्ट को लिखना क्यों जरूरी है और थेरेपिस्ट क्यों लिखते रहे, कैसे वो एक जैसी चीजें, इस पर बात किया है। चौथे पार्ट में फॉल, जिसके अंदर चैप्टर्स हैं एथिक्स, स्टोरी डॉक्टर्स, रेजिस्टेंस, फेलियर्स, हीलिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यर्निंग, थिंग्स आर बिकमिंग समथिंग एल्स। इसमें इन्होंने एथिक्स, फेलियर्स, जो एक थेरेपिस्ट के लिए जरूरी है अपनी अंडरस्टैंडिंग को और ब्रॉडन करने के लिए और कुछ कॉशियस होने की जिन चीज़ों में जरूरत है उन पर इसमें ध्यान दिया है। जैसे फेलियर्स का चैप्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, रेजिस्टेंस और एथिक्स वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं। बाकी चैप्टर्स में उन्होंने जनरल बात की है, जैसे हीलिंग सॉल्यूशंस की दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे तरीके हमेशा से रहे हैं, क्योंकि थेरेपी तो आजकल होता है, पिछले 100-150 साल से है, पर लोग तो सदियों से अपने को हील करते हुए आ रहे हैं, कहाँ से हील किया उन्होंने, कैसे किया, तो कई सारे कल्चर्स में शमन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ये कई तरीके के ऐसे टेक्निक्स होती थी जिसको इम्प्लीमेंट करते थे। रेजिस्टेंस एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें इन्होंने बात की है कि पेशेंट्स क्यों रेजिस्टेंस देते हैं थेरेपी में। स्टोरी डॉक्टर्स में इन्होंने बात की है कि थेरेपिस्ट क्लाइंट्स को अपनी लाइफ की स्टोरी, जो पूरी लाइफ की जो कहानी है, उसको दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने में, रिकॉन्स्ट्रक्ट करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं और वो क्यों जरूरी है, इस पर जोर दिया है। यर्निंग और जो लास्ट चैप्टर है थिंग्स आर बिकमिंग समथिंग एल्स, इसमें इन्होंने बात की है बेसिकली थोड़े लाइफ को, लाइफ के बारे में अपने पर्सनल रिफ्लेक्शंस दिए हैं। यर्निंग में जैसे इन्होंने बात की है कि लाइफ को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की बजाय थोड़ा ह्यूमनिस्टिक कंसर्न्स के साथ ज़्यादा ओरिएंटेड रखना चाहिए और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, बजाय कि रियलिटी टीवी शोज़ वगैरह में टाइम वेस्ट किया जाए, लोगों की जो जेन्युइन सफरिंग्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अगर हम टाइम स्पेंड करें, उनको दूर करने के लिए वर्क करें, तो शायद हम एक ज़्यादा एक बेटर वैल्यूएबल लाइफ जी सकते हैं, बजाय कि एक बिल्कुल आर्टिफिशियल कमर्शियल सी चीज़ों के लिए हम भागा दौड़ी करते रहें। तो यर्निंग में थोड़ा वो इन्होंने स्पिरिचुअल साइड से इन्होंने बात करने की कोशिश की है। लास्ट चैप्टर में इन्होंने क्या बात की है कि एक थेरेपिस्ट का प्रोफेशन जो है वो क्यों इतना अच्छा प्रोफेशन है, क्या उस प्रोफेशन में ऐसा खास है जो दूसरे प्रोफेशंस में नहीं है, किस तरह से थेरेपिस्ट जो है वो डे बाय डे अपने को और ज़्यादा कंसर्न्ड और एम्पैथेटिक बना देते हैं, क्यों इस प्रोफेशन को बहुत वैल्यू किया जाना चाहिए, किस तरह से एक थेरेपिस्ट जो है अपना गोल, अपना एम्बिशन रखे और अपने को जब एक थेरेपिस्ट के तौर पे जब वो बिल्ड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो क्यों इतने अच्छे प्रोफेशन में है और कितना एक अच्छा काम कर रहा है वो, इस बारे में इन्होंने जोर दिया इस चैप्टर में। तो अब अगर मैं कहूँ कि मुझे ये किताब क्यों अच्छी लगी और मैं इसको क्यों रिकमेंड करता हूँ, तो अब मैं बात करूँगा कि मैं इस किताब को क्यों रिकमेंड करता हूँ और मुझे ये किताब कैसी लगी और थोड़ा अपना रिव्यू देना चाहूँगा। किताब का जो पर्पस है, जिस पर्पस पे लिखी गई है, यंग थेरेपिस्ट के लिए, वो अपना को पूरा सेटिस्फाई करती है, पूरा फुलफिल करती है ये पर्पस अपना।
जो थेरेपी अभी सीख रहे हैं या सीखने वाले हैं या जो नए नए अभी थेरेपी करना शुरू किए हैं, स्पेशली जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गए जिन्होंने अपने एमफिल या पीएचडी कोर्स के बाद अभी थेरेपी करना शुरू किया है, उनके लिए बहुत रिकमेंडेड बुक है। जो मोटे तौर पे जो खास जो रीजंस हैं, पहला तो ये कि इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव से बात की गई है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स पे बात की गई है, एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट ने अपनी बात कही है। डेफिनेटली इसमें काफ़ी कमियां हैं, काफ़ी खामियां हैं जिन पर मैं आगे बात करूंगा, पर पहले इस बुक के बारे में जो इसकी जो खूबियां हैं, जो इसकी जो बहुत अप्रिशिएट करने वाले जो एस्पेक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उन पर मैं बात करूंगा। फैमिली को बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस दी है, जो कि थेरेपिस्ट का, ऑथर का खुद का भी ओरिएंटेशन रहा है, क्योंकि आमतौर पे आज के ज़माने में जो हम थेरेपीज करते हैं, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज हो गई, या जो थर्ड वेव वाली हैं, एक्सेप्टेंस कमिटमेंट या माइंडफुलनेस, हम इंडिविजुअल ओरिएंटेड तो होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच पर काम करते हैं, रिएशनल चेंजेस करना, इरेशनल बिहेवियर्स को चेंज करना, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑल, ये सब थॉट रिकॉर्ड ये सब करना, और या फिर साइकोडायनेमिक ओरिएंटेशन से भी जब हम वर्क करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है या तो वो इंडिविजुअल के बिहेवियर्स और थॉट्स को चेंज करने पे होता है। तो देखने में क्या आता है कि ज़्यादातर जो थेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं, मैं थेरेपी के स्टूडेंट्स बोलूंगा क्योंकि ये बुक के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी भी बोल सकता था, बट मैं कहूँगा थेरेपी के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ साइकोथेरेपी, तो देखने में क्या आता है कि अक्सर फैमिलीज को ना बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है, फैमिलीज के अंदर जो डायनेमिक्स हैं, उसके अंदर जो एब्यूज हो रहा है, खासकर ये जो पॉजिटिव पेरेंटिंग का जो एक जो इतना रेवोल्यूशन चल रहा है आजकल पिछले कुछ सालों से, जिसमें इस बात पर ज़्यादा फोकस है कि फैमिली के अंदर बहुत सारा नेगेटिविटी है, बहुत सारे नेगेटिव रिस्पॉन्सेज दिए जाते हैं। ये एस्पेक्ट तो अच्छा है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग में हम पॉजिटिव बनाने की तरफ वर्क कर रहे हैं, पेरेंट्स को उनको अपने रिलेशनशिप चेंज करने की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इससे एक जो पर्सपेक्टिव है, जो पुराना जो एक पर्सपेक्टिव है जो आज भी चला हुआ आ रहा है, कि कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, घर के लोगों के सबके बिहेवियर्स जो हैं वो डिसफंक्शनल हैं, जिस वजह से ये जो पेशेंट है या पर्सन जो है इसकी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, इसको बहुत हार्शली और बहुत एक्सट्रीम्स पे जाके कंसिडर करने से हमें रोकती है ये किताब। ये पर्सपेक्टिव कम देखने में मिलता है। ये बात ठीक है कि फैमिली की जब हम प्रॉब्लम्स डील कर रहे हैं तो उसके साथ हमें कई सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, सबके बिहेवियर्स मैनेज कराने होते हैं, बट कल्प्रिट मानना, डिसफंक्शनल फैमिली जैसे टर्म्स जो यूज किए जाते हैं, उससे बचने के लिए हमें वर्क करना जरूरी है, उससे बचने के लिए थोड़ा कॉशन देती है ये किताब। ये वाला पार्ट मुझे सबसे अच्छा लगा, फैमिली को जो इसमें इन्होंने बात की है कि फैमिलीज तो सभी क्रेजी होती हैं, फैमिली में सभी लोगों के बिहेवियर जो होते हैं थोड़े बहुत डिस्टॉर्टेड और थोड़े अबनॉर्मल होते हैं, ये बहुत बेसिक सी एक्सेप्ट करने जैसा फैक्ट है, जो कि थेरेपिस्ट क्या जो थेरेपिस्ट नहीं है वो भी इस बात को जानते हैं कि थोड़ा वियर्ड बिहेवियर्स तो हम सभी के होते हैं। तो क्या उसको कारण मान दिया जाए प्रॉब्लम्स का, क्या उसको कारण मान लिया जाए कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होगा बच्चे पे, बहुत ज़्यादा बच्चे के या किसी फैमिली मेम्बर के मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर कर रहा होगा? शायद हाँ और शायद नहीं भी। तो फोकस अपना हटाना ज़रूरी है। तो भले इन्होंने कोई सॉल्यूशंस नहीं दिए, भले क्योंकि बुक का इतनी लेंथ नहीं है, बुक में इतना स्कोप नहीं है कि सब चीज़ें सजेस्ट किया जाए, उसके लिए शायद एक सेपरेट एक अलग से बुक लिखनी ज़रूरी होगी, मैंने इस ऑथर की बाकी बुक्स नहीं पढ़ी हैं, शायद इन्होंने बाकी किसी बुक्स में लिखा भी हो, मे बी रिवाइविंग ऑफेलिया में ये सब चीज़ें लिखी हों जो कि उनकी बहुत पॉपुलर बुक है, पर ये वाला ओरिएंटेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक फिक्स्ड एटीट्यूड के साथ थेरेपिस्ट ना अप्रोच करे, एक जो स्टूडेंट्स हैं वो ये ना मान के चले कि सारी जड़ जो है तो फैमिली है। दूसरा जो एक अच्छे आइडियाज और जो मुझे इनके किताब में दिखाई दिए वो थे, जैसे इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा किया जाए, सिंपल एक्टिविटीज पे फोकस किया जाए, ना कि बहुत हाई फाई सॉल्यूशंस दे रहे हैं, बहुत टेक्निक्स पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो रहे हैं। नहीं, हम ये ना मान के चलें कि वो करने से ही ट्रीटमेंट होगा, नहीं, कभी कभी बहुत सिंपल चेंजेस लाने से भी बदलाव आ जाते हैं, और शायद वही तो है जो बदलाव लाते हैं, क्योंकि आमतौर पर हमें वही तो चाहिए होता है, वही तो हमारी लाइफ से खत्म हो जाता है जिससे डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन बढ़ता है। तो वो वाले पार्ट पे इन्होंने जो फोकस किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंसाइटफुल है। नेक्स्ट इन्होंने जोर दिया है जो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो मुझे बहुत अच्छा लगा इन थेरेपिस्ट के बारे में, मे बी वो इनके लिए स्पेसिफिक है, मैरी पाइफर के लिए, कि जो कमर्शियल रियलिटी टीवीज और इतना जो कमर्शियलाइजेशन है हमारे आसपास, खासकर जैसे क्योंकि ये तो 2001-02 की लिखी हुई है, इसमें स्मार्टफोन एडिक्शन इंटरनेट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, किसी जगह ईमेल का भी इन्होंने नाम नहीं लिया है, जबकि उस टाइम ईमेल था, स्मार्टफोन्स नहीं थे, एप्स जैसा कुछ नहीं होता था। बट आजकल ये जो, अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो आजकल ये जो चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों में डिजिटल
तरफ अगर देखा जाए वो भी ठीक है, बट जितना कमर्शियल हम ज्यादा हो रहे हैं उससे हटके जो सॉल्यूशंस जो है मेंटल हेल्थ के, वो इन चीजों में रहते हुए नहीं है, इन चीजों से हटकर अपनी लाइफ को सिंपल बनाने में है। तो जितना सिंपल एक्टिविटीज फैमिली के अंदर ज्यादा से ज्यादा बॉन्डिंग वाली एक्टिविटीज पे जितना फोकस किया जाएगा, उतना ज्यादा मेंटल हेल्थ अटेन होगा, बेटर मेंटल हेल्थ मिलेगी। इस पर इनका जोर देना, ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। इन्होंने स्विमिंग पर जोर दिया है, कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी में स्विमिंग बहुत अच्छा है। मुझे तो नहीं आती स्विमिंग, तो जिन लोगों को आती है, जिन लोगों को करना पसंद है, वो इसके बेनिफिट ज़्यादा बेहतर जानेंगे। बट स्विमिंग जैसी चीज़ों के अलावा और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, कुछ भी नेचर का, गार्डनिंग हो सकती है, कैसी भी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें टाइम स्पेंड किया जा सकता है, हॉबीज़ में स्पेंड किया जा सकता है टाइम। बाकी जो कई सारे एरियाज़ हैं जैसे मैरिज डेटिंग वाले हो गए, या हैप्पीनेस रिलेटेड पेन हो गया, और वो जो यर्निंग वाले चैप्टर्स थे, मेटाफर्स थे, ये कुछ बेसिक टेक्निक्स और बेसिक पर्सपेक्टिव्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, जिसमें मुझे बहुत कुछ नयापन तो नहीं लगा, जो कि आम पर्सपेक्टिव्स हैं, जो कि एक नए थेरेपिस्ट की नज़र से डेफिनेटली बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। बट ये चीज़ें थोड़ा कॉमन सेंस का पार्ट हमारे बन भी चुका है, और हम ट्रेनिंग के टाइम पर अक्सर ये चीज़ें जानते हैं कि हमें किस तरह से लेना है। और जो पहलू जो मुझे इस किताब में जो ठीक नहीं लगे, वो ये था कि कई जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव्स हैं, इन्होंने इनको डिस्कस नहीं किया, जो उस टाइम पर भी बहुत रिलेवेंट थे। कुछ थोड़ा सा रिसर्च थोड़ा सा डिस्कस किया जा सकता था, जो कि एक यंग थेरेपिस्ट के लिए थोड़ा उस नज़र से चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है, जैसा मैं मानता हूँ। इन्होंने कोट्स पे ज़्यादा फोकस किया है, इनका लिखने का स्टाइल मुझे नहीं पता, बाकी की जो ये जो आर्ट ऑफ मेंटरिंग वाली जो बुक्स हैं उनका स्टाइल कैसा रहा है। अगर इनका कोई फिक्स स्टैंडर्ड स्टाइल है तो शायद हो सकता है ऐसा लिखना उनका ना हो तरीका, मैरी पाइफर का तरीका ना हो, ये पूरा उनका स्टैंडर्ड हो एक बुक्स लिखने का, तो मैं नहीं जानता। बट इसके बजाय थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड हुआ जा सकता था, एंड मोर प्रोबेबली अपने नज़र से, जैसे उन्होंने फैमिली थेरेपी की ही ज़्यादा नज़र से बात की है, उसकी नज़र से बात ना करके अगर थोड़ा सा ये कॉग्निटिव बिहेवियरल और उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते, या उसके बारे में थोड़ा और जो टेक्निक्स और ओरिएंटेशंस हैं, क्योंकि आमतौर पे यही चीज़ें होती हैं जो थेरेपिस्ट या यंग जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सीखना चाहते हैं, वो आगे अपना डेवलप करना चाहते हैं, वो चीज़ों पर इन्होंने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है उस बारे में। कि एक चैप्टर ऐसा हो सकता था कि क्या टेक्निक्स सीखी जाएं या ना सीखी जाएं, किस टाइप की टेक्निक्स पर ज़्यादा जोर दिया जाए, एक बेसिक एक जनरल एटीट्यूड जो है, एक जनरल जो चैलेंजेस और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं इन्होंने उसको ज़्यादा शेयर किया है। अगेन मुझे नहीं पता, शायद इस पूरी सीरीज़ का ही ऐसा फोकस था, इस तरीके से बनी है ये पूरी सीरीज़ आर्ट ऑफ मेंटरिंग, या शायद मैरी पाइफर ने इस तरह से लिखा है। मैं कोई और बुक्स पढ़ूंगा इस सीरीज की तो मुझे पता चलेगा। मेरा जो मन है वो लेटर्स टू अ यंग कॉन्ट्रेरियन, इनको पढ़ने का है, जो मैं देखूंगा कि किस तरीके से लिखी गई है वो किताबें। तो मैं इस बारे में तो नहीं कहूंगा कि इसमें क्या चेंजेस कितने किस तरह से लाने चाहिए थे, बट थोड़ा टेक्निक्स पे वर्क करना ज़रूरी था, थोड़ा फैमिली ओरिएंटेशन से हट के थोड़ा और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करना शायद और बेटर होता। एम्पैथी कंपैशन उस तरफ से थोड़ा बात किया जा सकता था कि एम्पैथी और कंपैशन कैसे डेवलप किया जाए। ऑल्दो इस पूरी बुक में अगर पढ़ा जाए तो एम्पैथाइज तो किया ही गया है, कई कई चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत एम्पैथाइज किया गया है, जैसे पेन वाला चैप्टर है, डेटिंग वाला है, और इंटेंशनैलिटी वाला चैप्टर है, उसमें लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे समझना है, कैसे डिटेल्ड केस एनालिसिस करने हैं, थोड़ा बताया है इसके अंदर। पर्सनल एक्सपीरियंसिस पे इनका ज़्यादा फोकस रहा है, पर्सनल एक्सपीरियंसिस जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और सेल्फ डिस्क्लोजर अपने नज़रिए से बताना ताकि दूसरा ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से समझ सके, वो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है जो कि मुझे बहुत सही लगा। बट साथ ही साथ उस अपने पर्सनल एक्सपीरियंसिस की बजाय थोड़ा और रिफ्लेक्शन जो था वो थोड़ा थ्योरेटिकल साइड पर हो सकता था। प्रोबेबली ऐसी चीज़ें बताई जा सकती थी, जैसे उन्होंने साइको एनालिटिक स्कूल को क्रिटिसाइज़ किया, बहुत ब्लंटली उसको बोला है कि ब्रीफ थेरेपीज और साइको एनालिटिक तो मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं उस तरीके से वर्क करना चाहती। थोड़ा और इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जा सकता था, प्रोबेबली ये बताने के लिए कि वो जो कर रही हैं या वो करती हैं वो क्यों और कैसे करती हैं। प्राइवेट प्रैक्टिस और एक जनरल जो हॉस्पिटल्स में वर्क करना होता है उसमें एक फ़र्क कैसे मेंटेन किया जाए, या कौन सी चीज़ को क्यों अप्रोच किया जाए। जैसे इन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस किया तो प्राइवेट ही क्यों इन्होंने किया, उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर सकते थे, जो कि थेरेपिस्ट के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि हम थेरेपी कहाँ करें, प्राइवेट में करें, अगर करें तो कैसे करें, किस तरह से अपने प्राइवेट प्रैक्टिस को एस्टैब्लिश करें, किस तरीके से इसकी एडवर्टाइजिंग या इसके लिए हम ज़्यादा रेफरेंस लेकर आएं। थोड़ा इस पर फोकस हो सकता था, क्योंकि यंग थेरेपिस्ट है ऑब्वियसली वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाएगा तो उसको ये सब करना तो ज़रूरी है ही, वो इन सब चैलेंजेस को भी तो फेस करेगा, तो थेरेपिस्ट ये सब भी फेस कर रहा है ये भी होना चाहिए था उसके बारे में।
साथ ही साथ वो रिसर्च और प्रैक्टिस को कैसे इंटीग्रेट कर सकता है, रिसर्च से कैसे इंसाइट्स ले सकता है, थोड़ा इस पर भी फोकस हो सकता था। जो लास्ट के चैप्टर्स हैं, जैसे यर्निंग हो गया, जिसमें इन्होंने बहुत मैटेरियलिज्म वर्सेस स्पिरिचुअलिज्म, नेचर वर्सेस आर्टिफिशियल लाइफ के बारे में ज्यादा बात की है, बजाय इसके थोड़ा ये वाला पार्ट भी डाला जा सकता था। मतलब वो पार्ट भी अच्छा है, ठीक है, बट ये पार्ट भी डाला जा सकता था कि साइंस, न्यूरोसाइंस और दूसरी जो इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं उनके साथ कैसे अपने को ओरिएंटेड रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है कि जो एक दायरा है इस थेरेपिस्ट का काम करने का, मैरी पाइफर का, वो ही केवल रिफ्लेक्ट हो रहा है। जो कि बात तो सही है, वही रिफ्लेक्ट होगा, इसमें कुछ दो राय नहीं है कि क्योंकि अपने पर्सनल रिफ्लेक्शंस, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं थेरेपिस्ट के, तो वो अपने बारे में ही बात करेगा। बट नया थेरेपिस्ट कोई आ रहा है, उसको आप थोड़ा ब्रॉड सजेशंस देना प्रेफर करोगे। मैं अगर होता तो मैं थोड़ा ब्रॉडली भी बात करता, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थोड़ी सी बात करता। मैं भले ही उसमें मैं काम ना कर रहा हूँ, बट मैं आगे एंकरेज जरूर करूंगा किसी दूसरे को वो काम करे। एक पर्टिकुलर काम करने के लिए एंकरेज किया जाए ऐसा नहीं है, वो तो बायस हो जाएगा। इस बारे में ये बात कर सकते थे कि जो थेरेपिस्ट है, जब वो आगे जाके अपने लाइफ के चैलेंजेस फेस करेगा, लेट से कि वर्क और लाइफ का बैलेंस कैसे किया जाए, फैमिली का, इन्होंने एक चैप्टर डिस्कस किया सेल्फ केयर का, बट सेल्फ केयर पे थोड़ा और रिफ्लेक्ट किया जा सकता था। खासकर सेल्फ केयर ना सही, बट अपनी फैमिली को कैसे मैनेज किया जाए, अपने करियर एम्बिशंस को कैसे मैनेज किया जाए, इन्होंने कैसे किया। अब इन्होंने एक ही चीज लिखी, वो इमोशनल एग्जॉशन वाला, वो कौन सा एक चैप्टर था जिसमें इन्होंने ये बात की कि मैं टूर करती हूँ, स्पीचेस देने जाती हूँ तो मैं थक जाती हूँ, तो तुम भी अपने पर ध्यान रखा करो, ये सब चीजों पर बात की। इन्होंने अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में तो बात कर दी, बट थेरेपिस्ट जो है वो लॉरा है, वो भी तो आगे कल को मैरिज करेगी, कुछ होगी, या कल को वो अपनी फैमिली कैसे मैनेज करेगी, तो अपने बारे में वो भी थोड़ा डिस्कस किया जा सकता था। इन्होंने क्या किया, अपने बचपन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर दिया, अपनी जो बचपन की पुरानी फैमिली थी। प्रोबेबली इसमें एजिंग का फैक्टर हो सकता है क्योंकि वो बहुत एजेड हो गई हैं। ऑथर का जो बर्थ है वो 1947 का है, अक्टूबर 1947 का। इन्होंने जब किताब लिखी है तो ऑलमोस्ट 53-54 ईयर्स की हैं, वो 54 की हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि शायद 50s में उनको अपनी फैमिली बहुत याद आती हो, बहुत अटैच रही हो, बहुत, क्योंकि फैमिली वैल्यूज और फैमिली कंसर्न उनके अंदर बहुत ज्यादा है, और वो बार बार क्रेडिट देती हैं इस बात को कि फैमिली मेरा माहौल ऐसा था, इसी वजह से मैं फैमिली थेरेपी ज़्यादा पसंद करती हूँ और उनको मैनेज करने का मेरा ऐसा नज़रिया है। तो हो सकता है वो एक फैक्टर रहा हो, बट थेरेपिस्ट के लिए अगर आप चीज़ बोल रहे हो तो थोड़ा उसके नज़र से एक ऑब्जेक्टिवली भी कुछ बातें बोली जा सकती हैं। तो ये एक पॉइंट मुझे लगा इसके अंदर थोड़ा लैकिंग था, बहुत रिस्ट्रिक्टेड था बेसिकली। थेरेपिस्ट का इनका जो पूरा फोकस है, मैरी पाइफर का, वो ज्यादा इस बात पर रहे कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को ही शेयर करने में ज्यादा जोर दिया है। मैं ऐसा करती थी, मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी, मेरे साथ ये था, मेरे साथ वो था। ये बहुत एक लेवल के बाद ऐसा लगता है थोड़ा ओवर हो गया है। लॉरा, जो कि ऑब्वियसली बात है एक फिक्शनल कैरेक्टर ही होगा, नहीं तो वो लॉरा के बारे में कुछ जानती तो वो जरूर बताती, कुछ ना कुछ उन्होंने बात जरूर बोली होती है, उन्होंने कुछ ज्यादा जजमेंटल या कुछ बायस वे में कुछ ऐसी बातें की नहीं, बट बीच बीच में लॉरा की लेटर्स के बारे में कुछ कुछ तो बात की है, क्योंकि लॉरा ने एक्सपेक्टेड है कि जैसे लॉरा ने कोई चिट्ठी लिखी होगी, लेटर लिखी होगी, तो उस लेटर में ये केस के बारे में डिस्कस किया है या ये बोला है, तो इन्होंने उस तरीके का एक कॉन्टेक्स्ट बनाकर बात की है कि जैसे किसी केस के बारे में डिस्कस कर रही हैं, या कोई केस के बारे में लॉरा ने लेटर लिख के उनको कुछ पूछा है और वो जो पूछ रही है उसके बारे में बात कर रही हैं, ये उसके बारे में ये आंसर दे रही हैं या सजेशन दे रही हैं। तो प्रोबेबली एक वो वजह हो सकती है कि रिस्ट्रिक्टेड रहा हो इनका पर्सपेक्टिव, बट थोड़ा और ब्रॉडली इस बारे में बात की जा सकती थी। तो थेरेपिस्ट के चैलेंजेस क्लाइंट्स के साथ कैसे हैं उस पर तो बात की, बट थेरेपिस्ट की लाइफ केवल क्लाइंट्स तक सीमित नहीं है, वो और भी बहुत कुछ है उसमें, वो भी थोड़ा डिस्कस किया जाना चाहिए था। मेरा ये पॉइंट है यहाँ पे, जो मुझे लगा कि या तो एक्स्ट्रा चैप्टर्स हो सकते थे, बट अगर कोई सीरीज की, अगर कोई पब्लिशर्स की अगर कोई प्रॉब्लम थी इसमें, नीड थी, तो शायद ना लग पाते, तो कम से कम किसी चैप्टर को रिप्लेस किया जा सकता था। दो तीन चैप्टर इसमें बहुत रिपीटेशन जैसे लगे हैं, जैसे यर्निंग मुझे बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगा इस पर्सपेक्टिव से, कोई जरूरत नहीं थी उस टॉपिक को डिस्कस करने की। लास्ट चैप्टर भी जो है वो भी कोई बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है, कुछ चैप्टर्स में बहुत इंसाइट्स हैं, प्रोबेबली वो मेरी वजह से हो सकते हैं, शायद मुझे वो ज्यादा इंसाइटफुल लगे हैं क्योंकि मैं अपने नजर से देख रहा हूँ, बट कुछ चैप्टर्स के अंदर बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, शायद उसकी जगह कुछ और कंटेंट डाला जा सकता था। ये था मेरा रिव्यू, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरा रिव्यू एनालिसिस कैसा लगा, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको मैं रिकमेंड करूंगा ये बुक जरूर पढ़ो, आप थेरेपी के स्टूडेंट हो, जरूर 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 पढ़ो। आप गूगल पे जाना, चेक करना, आपको बहुत सारे इस पे रिव्यूज मिलेंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स ने इसका रिव्यू किया हुआ है, वेबसाइट्स पे आपको मिलेगा इसके बारे में, सबने बहुत अप्रिशिएट किया इस बुक को। ये बुक डेफिनेटली लेनी चाहिए, खरीद सकते हो। मैंने ई बुक तो थी मेरे पास, वो मैंने डाउनलोड कर ली थी, बट ऑडियो बुक से सुनने में मुझे ज्यादा
बढ़िया लगा, क्योंकि ऑडियो बुक्स पे थोड़ा फास्ट सुना जाता है, पढ़ने से मेरी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। मैं सुनता हूँ तो ज़्यादा जल्दी सुन पाता हूँ, जल्दी ख़त्म कर देता हूँ किताब। थोड़ी स्पीड भी आप बढ़ा सकते हो। ऑडिबल की अपनी एक ऐप है जिसके अंदर मैंने सुना, उन्हीं की वेबसाइट से डाउनलोड किया था, वहीं से सुना उसी वेब पे, तो थोड़ा स्पीड भी आप उसके अंदर जो है चेंज कर सकते हो। मैंने 1.25 की स्पीड पे सुना था, जो स्टिल काफ़ी फास्ट है। मतलब 1.3 या 4 पे मुझे काफ़ी वर्ड्स स्किप होते हुए सुनाई दे रहे थे, तो मुझे वो ठीक नहीं लगा। 1.5 पहले मैं सुन रहा था, बहुत फास्ट थी। कुछ किताबें सुन पाती हो 1.5 की स्पीड पे, कुछ किताबें नहीं हो पाती हैं। ये किताब नहीं हो पा रही थी, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा बुक्स रिकमेंड करता हूँ, टाइम निकालो अच्छे से, अपना बुक्स पे वर्क करो, बुक्स रीड करो। बहुत बहुत सारी बुक्स हैं, आगे मैं फिर और नई नई बुक्स को आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा, रिकमेंड करूंगा। उनमें क्या कंटेंट है, कैसा है, किस बारे में है, क्यों उसको पढ़ना चाहिए, आप उसमें जान सकते हो। तो कोई भी सजेशंस हो कोई बुक्स के, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखो, मैं वो पढ़ के उसके बारे में रिव्यू करूंगा या वो रिकमेंड करूंगा। या जो मैं अपने पर्सनल मेरे जो लिस्ट है जिसमें मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं जिसको मैं ऑलरेडी वीडियो बना सकता हूँ, उसके बारे में मैं बनाऊंगा वीडियो। अब मैं अपनी ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।